गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को इस काफी फेमस कोट के साथ, ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। बिल्कुल सही कहा यार, अगले जो 2.5 मंथ्स है तब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं त्यागते हो, नहीं छोड़ते हो, तब तक बात बनने वाली है नहीं। अगर आपको अपने कंधे पर अशोक स्तंभ चाहिए, 3 स्टार चाहिए, एक ऑफिसर की जॉब चाहिए, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। और यही जो 2.5-3 महीने हैं आपके जो प्रीलिम्स के हैं, यही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो लग जाइए सारे कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए। कुछ टाइम तक अगर आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ दोगे तो कोई बात भी रहने वाली उसमें है नहीं, उसके बाद तो कंफर्ट जोन ही रहता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने रिवर सिस्टम ऑफ हरियाणा पार्ट 2 कंप्लीट कराया। आज की क्लास के अंदर हम लोग उसी से आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अपना हरियाणा जीके का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो एक बार देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो लेक्स है, जो झील है, कौन कौन सी है, और उसके बाद वेटलैंड कौन कौन से है। अब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, लार्जेस्ट लेक ऑफ हरियाणा कौन सी है, या फिर कोई एक्स वाई जेड कोई प्लेस दे देगा और पूछेगा इसके नजदीक में कौन सी लेक है, या लोड शिवा की कौन सी लेक है, विष्णु की कौन सी, इस टाइप के क्वेश्चन लगातार हरियाणा SSC और हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर पूछे गए हैं। देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ क्वेश्चन है ना जो हरियाणा के जो SSC ने कंडक्ट कराया वो भी आप लोग एक बार देख कर जाओ। उससे क्या है कि जो आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एटलीस्ट वो तो तैयार वहां से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि लेक्स, ये झील होती क्या है। तो ज्योग्राफी के अंदर आप बहुत ज्यादा डिटेल में करोगे, यहां पर मैं थोड़ा सा पोर्शन आप लोगों को लेक्स का बता देता हूं। तो हरियाणा इज अबंडेंट इन बोथ नेचुरल एंड मैनमेड लेक्स। हरियाणा के अंदर आपको बहुत सारी जो लेक्स है वो नेचुरल और मैनमेड दोनों दिखाई देगी। और इवन मैं अगर बात करूं तो हरियाणा में क्या है कि नेचुरल जो लेक्स है, जो प्राकृतिक झीलें है, उसकी उसका जो एम्बैकमेंट है वो मैनमेड किया गया है। बाकी बहुत सारी लेक ऐसी मिलेगी जो कंप्लीटली मैनमेड है, तो मिक्सचर दिखाई देगा आपको नेचुरल और मैनमेड लेक्स का। हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते कि भाई इतनी 10 लेक्स है हरियाणा में, 20 लेक्स है, नहीं। तो हम सारी को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो पहले तो समझते कि ये लेक्स, ये झील जो है होती क्या है। तो देखने एक बार इसकी डेफिनेशन देखना। तो सबसे पहले तो अगर यार आप इस इमेज को देखते हो तो इस इमेज के अंदर आपको इस लेक की डेफिनेशन नजर आएगी। देखो, पहले तो समझना है कि एक ज्योग्राफिकल टर्म आती है जिसको बोलते हैं बेसिन। अब आपने देखा होगा कि आप जब घर के अंदर बेसिन का यूज करते हो, वॉश बेसिन का यूज करते हो, तो वॉश बेसिन की जो शेप आप लोग देखते हो, तो सेम ऐसा ही आप लोग लेक को मानते हुए चलो। जिस तरीके से वॉश बेसिन के अंदर पानी भर दो तो वो एक टाइप का एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसी ही आपकी बनती है क्या लेक। तो एक बार समझते हैं कि लेक की डेफिनेशन क्या है। एनी लार्ज बॉडी ऑफ स्लोली मूविंग और स्टैंडिंग वॉटर दैट ऑक्यूपाइज एन इनलैंड बेसिन। इनलैंड का मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो लैंड है उसका जो इंटरनल पार्ट है वहां पर कोई बेसिन। तो कोई भी मूविंग वॉटर और कोई भी स्टैंडिंग वॉटर, वो मूविंग भी हो सकता है, स्टैंडिंग भी हो सकता है। हालांकि ज्योग्राफी के अंदर इस पे भी डिस्प्यूट बना हुआ है कि नहीं, वो तो अगर लेक है तो स्टैंडिंग वॉटर होगा, मूविंग वॉटर नहीं होगा। तो कोई भी इनलैंड बेसिन जिसके अंदर मूविंग वॉटर और स्टैंडिंग वॉटर हो, दैट इज नोन एज लेक, उसको क्या कहेंगे हम लोग लेक। तो आइए देखते एक बार। देखो, ये जो आपका बेसिन हुआ, ये इनलैंड बेसिन, यहां पर आपको दिखाई देगा जनरली क्या, यहां पर अगर आप लोग गौर करते हो तो इसके ये बिल्कुल बीचों बीच यहां पर आपको स्टैंडिंग या मूविंग वॉटर दिखाई देगा। अब आप कहोगे सर एक वेटलैंड भी होता है, वेटलैंड में क्या डिफरेंस है और लेक में क्या डिफरेंस है, वो भी आगे हम लोग समझेंगे। एक सिंपल सा पॉइंट मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये है हमारा इनलैंड बेसिन, जो कि जो हमारा लैंड एरिया है वहां पर एक बेसिन टाइप बना हुआ है, और अगर इसके अंदर पानी आ जाए, वॉटर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनलैंड बेसिन कहेंगे। वो क्या कहा जाएगा, इनलैंड बेसिन के अंदर वॉटर, और उस पूरी टर्म को हम लोग किस नाम से जानेंगे, लेक। तो कौन कौन सी हरियाणा के अंदर लेक है वो एक बार आइए हम लोग समझते हैं कि कौन सी हरियाणा के अंदर लेक्स है। तो सबसे पहले देखो, लेक्स के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मेंस में तो ये चीजें है नहीं, तो
तो प्रीलिम्स में और प्रीलिम्स में फैक्चुअल चीजें पूछेगा। हाँ, जो स्कीम्स चला रखी है गवर्नमेंट ने या फिर सोयल डिग्रेडेशन को लेकर कोई प्रोग्राम सरकार ने चला रखा है वो मैं उसको अलग से डिस्कस करूंगा। देखो, हम लोग इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आप लोग की कवर हो और उसके साथ साथ आप लोग के जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो भी कवर हो और जितनी भी स्कीम सर्वे वगैरह है तो वो भी आप लोग के यहां से कवर हो। तो आइए एक बार देखते हैं कौन कौन सी लेक्स है और कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछता है। तो लेक के बारे में आप लोग को पता चल गया कि क्या होती है झील। अब देखो, सबसे पहले जो लेक आती है उसका नाम है बड़खल लेक। कौन सी लेक है? बड़खल लेक। तो एक बार जानते हैं कि ये बड़खल लेक है क्या और कहां पर ये सिचुएटेड है। तो देखो, नाम से ही बच्चों पता चल रहा है कि बड़खल उसका मतलब हुआ बेदखल। तो ये एक जो वर्ड है आप लोगों को बता देता हूं, एक माइग्रेटरी बर्ड है जिसका नाम है बेदखल। बेदखल मतलब बिना किसी दखल अंदाजी के वो जो बर्ड है वो यहां पर आता था और उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? बड़खल लेक पड़ गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बड़खल वर्ड जो है वो किसके नाम पर आया है? एक एनिमल के नाम पर। लेक लेक तो है ही खैर, लेकिन माइग्रेटरी बर्ड है और कौन सा है? बेदखल। अब हरियाणा में अगर आप लोग देखते हो ना तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आपको दिखाई देंगे। जब आप सुल्तानपुर लेक के बारे में पढ़ोगे या सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में पढ़ोगे वहां पर आपको साइबेरियन सारस के बारे में पता चलेगा। और ये जो साइबेरियन सारस है यूरोप से, रूस से, रशिया से और इवन अफगानिस्तान से भी कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वहां पर आते हैं। तो बेदखल बड़खल यहां से ये वर्ड आया। अब आप लोग को मैं एक छोटी सी स्टोरी इसकी बताता हूं। देखो, ये जो बड़खल लेक है ये सिचुएटेड है फरीदाबाद में और 1947 के टाइम पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको बनाया गया था। और देखते एक बार थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानते हैं। दिस लेक इज लोकेटेड इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये सिचुएटेड है और कितने एकड़ में फैला हुआ है? 206 एकड़ में। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है, 206 एकड़ में है। अरावली जो रेंज है अपना, अरावली रेंज के चारों तरफ ये फैला हुआ है। आपको पता है कि अरावली रेंज हरियाणा के सदर्न पार्ट में है और उसमें आपका फरीदाबाद भी कवर होता है। उसके बाद अगर आप लोग देखते हो तो जो इसका एम्बैकमेंट है वो क्या है? मैनमेड है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि हरियाणा के अंदर जो लेक्स है, यार वैसे तो एक चीज मैं आप लोग को बताऊं, हरियाणा की जो लेक्स है ना वो जनरली क्या है? ड्राई लेक्स है, सूखी है भाई, पानी वगैरह आपको ज्यादा उसके अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ लेक्स जो है जो कि मैनमेड बना रखी है वहां पर आपको सक्सेस सफिशियंट अमाउंट के अंदर क्या दिखाई दे जाएगा? वाटर दिखाई देगा। अब ये वर्ड जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि कहां से आया, बेदखल, ये जो बेदखल है ये कहां पर विजिट किया करते थे? लेक के अंदर। अब माइग्रेटरी बर्ड जो आते हैं लेक के पास, देखो कोई भी जो स्पीसीज है या हम लोग भी जो है, हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यार हमारी जो एडेप्टिविटी है वो उसी एनवायरमेंट के बढ़ती। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग गांव में रह रहे हो, आपकी लैंग्वेज में आप पिंड में रह रहे हो, तो आप जिस पिंड में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, वहां से आप दूसरी जगह पर जाते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। और आप फिर कोशिश करोगे कि यार जिस एनवायरमेंट में मैं रह रहा हूं उसके अंदर जाने की कोशिश करूं या सेम टाइप का एनवायरमेंट मेरे को मिले। तो ये बेदखल वर्ड है, इससे जो है बड़खल लेक का नाम आया है। और 1947 में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, 1947 में इस लेक को क्या किया गया? इरिगेशन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टेड किया गया। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? बड़खल लेक के बारे में। फैक्चुअल पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, स्कीम्स जो होगी इससे रिलेटेड, लेक से रिलेटेड, सोयल से रिलेटेड, वो आई विल बी कवर इन द स्कीम्स ऑफ हरियाणा। वो स्कीम्स ऑफ हरियाणा जब हम लोग करेंगे तो उसके अंदर कवर कर लेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट लेक पर। कौन सी है देखते हैं एक बार। अगली जो आपकी लेक है वो कौन सी है? भिंडावास। अब मैं आप लोग को एक वर्ड बताता हूं, देखो ये लिखा हुआ यहां पर वास, भिंडावास, खपड़वास। अगर ये वास वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना कि ये आपको मिलेगा कहां पर? झज्जर के अंदर। अब भिंडावास एक वेटलैंड भी है, एक आर्द्र भूमि भी है। और बता देता हूं आप लोग को, ये लार्जेस्ट वेटलैंड है हरियाणा का, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। तो एक बार समझते हैं कि ये जो लेक है वो कहां पर है और किस तरीके से क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो एक बार जानते हैं। ये तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। अब यहां पर भी जो थाउजेंड्स ऑफ बर्ड है,
या जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो यहां पर आकर रहते हैं, कहां पर? झज्जर की भिंडावास में। देखो भिंडावास और खपड़वास ये कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप लोग को मिलेगा, कहां पर? झज्जर के अंदर। और जितनी भी लेक है हरियाणा के अंदर, अगर मैन मेड की बात हम लोग ना करें तो आपको दिखाई देगा नेचुरल जो लेक्स है, वो जो लेक आपकी है वो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए क्या है, वो माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पर आते हैं। तो एक बार इसके बारे में देखते हैं। इट वॉज डिक्लेयर ऑफिशियली ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985। इसी को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, वन्य जीव अभ्यारण्य डिक्लेयर किया गया है, किस ईयर? 1985 के अंदर। अब मैं आप लोग को जब आज की ही क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इको सेंसिटिव जोन। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है और नेशनल पार्क क्या होते हैं और इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, तो वो सबके ऊपर उनकी बात होगी। तो इस लेक को क्या डिक्लेयर किया गया है, ध्यान रखना, 1985 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। बाकी कितने एरिया में फैली हुई है ये? 1000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। अब ये वाला पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट वेटलैंड है किसका? हरियाणा का। भिंडावास जो है, हरियाणा में दो ही वेटलैंड है, एक है आपका बसई जो कि गुरुग्राम में पड़ता है, दूसरा आपका है भिंडावास, और जो लार्जेस्ट वेटलैंड है वो कौन सा है? भिंडावास है। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा, तो आपको ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगली लेक के ऊपर, अगली अपनी कौन सी लेक है उसके बारे में एक बार जानते हैं। तो भिंडावास आपको क्लियर हो गया। सूरज कुंड लेक, देखो नाम से ही पता चल रहा है सूरज कुंड। दो वर्ड में डिवाइड करो आप इसको, सूरज और कुंड। कुंड क्या होता है यार? कुंड ऐसी जगह जहां पर पानी भरा हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कुंड बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बेसिन लेते हो तो बेसिन में भी आप पानी भर दोगे तो आप उसको कुंड बोल दोगे। तो ये जो कुंड है वो सूरज के जैसा है। अगर आप इसकी शेप देखते हो तो आप एक बार इस पर फोकस करना, ये आपको दिखाई देगा कि जब अपना सनराइज होता है ना, तो सनराइज होने के टाइम पे जो शेप बनती है सेम शेप आपको किसकी दिखाई देगी? सूरज कुंड लेक की। किसने बनाया इसको और क्या कुछ स्टोरी इसके साथ जुड़ी हुई है एक बार समझते हैं। तो पहले तो ये कहां पर है? ये है फरीदाबाद के अंदर, और इसी लेक के नजदीक में एक डैम बनाया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, वो कौन सा? अनंगपुर डैम। तो एक क्वेश्चन और बन गया कि जो अनंगपुर डैम है वो किस लेक के नजदीक है, नियर बाई है? आपने बड़खल लेक सुना, आपने सूरज कुंड के बारे में सुना, तो दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज कर देगा। अनंगपुर डैम जो है वो सूरज कुंड लेक के नजदीक है। दूसरा दिस प्लेस, ये तो आपको पता ही है। अब एक चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब आप इस लेक के नजदीक में जाते हो तो यहां पर फेब मंथ में, फरवरी महीने में, जो सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, सूरज कुंड हस्तशिल्प जो मेला है वो यहां पर लगता है, और जिसमें आपको पता है कि 20 से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करती है। वो करंट अफेयर के अंदर हम लोग कवर करेंगे उस पोर्शन को कि कैसे कैसे चीजें हैं। तो सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है वो यहां पर आपको दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर वो क्या याद रखना है कि इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, किसने बनाया था? तो अनंगपाल तोमर। देखो ये जो तोमर है, तोमर डायनेस्टी जो है, जो आपको 10th to 12th century में दिखाई देगी, तोमर डायनेस्टी के किंग अनंगपाल तोमर सेकंड और उनके जो बेटे हुए सूरजपाल, तो उन्होंने इस लेक को कंस्ट्रक्ट कराया। तो सूरजपाल ने इस लेक को बनाया था। अब एक इंफॉर्मेशन और मैं आप लोगों को बता देता हूं यार, ये जो तोमर है ना, आज के टाइम पे ये जो कास्ट है ये आपको ज्यादा दिखाई देगी, तोमर दिखाई देंगे। जैसे आप मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना यहां पर जाते हो तो वहां पर दिखाई देंगे। इवन जो रेवाड़ी का जो कोसली है ना, वो कोसल के नाम पर आया, और वो जो कोसल है वो भी एक तोमर वंश से ही संबंध रखते थे ऐसा बताया जाता है। तो हालांकि ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोग को यार मिलती रहेगी, नॉलेज जितनी चाहो ले लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूरजपाल जो है किससे
किस डायनेस्टी से थे ये? तोमर रूलर थे, तोमर शासक थे, अनंगपाल तोमर उनके बेटे थे ये। उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? सूरज कुंड लेक। और इसकी जो शेप है वो सन के टाइप की है, जो राइज होता हुआ सन है उसके जैसी है। अनंगपुर डैम के नजदीक में सिचुएटेड है। तो ये थी आपकी कौन सी? सूरज कुंड लेक। तो तीन लेक आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट लेक पर। तो नेक्स्ट लेक आपकी अब कौन सी आएगी देखते हैं एक बार। ब्रह्म सरोवर लेक। लो जी, काफी इंपॉर्टेंट है भाई ब्रह्म सरोवर। आप यार कभी जाओ तो एक बार जरूर यहां पर होके आना। बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका जुड़ा हुआ है। देखो नाम से ही पता चल रहा है ब्रह्म सरोवर। सरोवर किसका? ब्रह्मा का, ब्रह्मा जी का। अल बरूनी किताब उल हिंद के बारे में आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री के अंदर आप लोग करोगे, भरत सर आपको कराएंगे। तो जो अल बरूनी की जो किताब उल हिंद है उसके अंदर भी इस लेक के बारे में बताया गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका बहुत आपको दिखाई देगा। इवन दुर्योधन जो थे वो लास्ट के टाइम पे, जब आपने देखा होगा जिस लेक के अंदर उन्होंने डुबकी लगाई थी, अंडर वाटर हुए थे, वो कौन सी लेक थी? वो भी ब्रह्म सरोवर लेक थी। अब ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब पूरे, देखना, पूरे यूनिवर्स को जब बनाया था तो वो यही लेक थी। तो एक दो इंपॉर्टेंस आप लोग इसके बारे में देखना कि पहले तो कहां पर सिचुएटेड है। तो ये तो पहले सिचुएटेड है कुरुक्षेत्र का। देखो एंशियंट नेम जो था वो था थानेसर, और आज के टाइम पे थानेसर एक जगह पड़ती है। तो ये जो थानेसर है, थानेसर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो थानेसर है वहां पर ये लेक आपको दिखाई देगी। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको? इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड ब्रह्मा, मैंने अभी आप लोग को बताया कि नाम से ही पता चल रहा है ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा का सरोवर। तो इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कंसीव्ड द अर्थ एट दिस प्लेस। तो ब्रह्मा जी ने जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, नाम से ही पता चलता है ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्म सरोवर लेक, उन्होंने इस लेक पर ही क्या किया था? कंसीव किया था। अब अगला पॉइंट ध्यान क्या ध्यान रखना है? मैंने आप लोग को बताया अल बरूनी की जो किताब उल हिंद है उसमें भी इस लेक को क्या किया गया है? मेंशन किया गया है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जनरली पूछेगा कि किस लेक को अल बरूनी के किताब उल हिंद के अंदर मेंशन किया गया है, ब्रह्म सरोवर लेक। देखो होता क्या है, आप है ना एक पैराग्राफ या कोई भी एक इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, वहां से अगर बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछता है तो वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ब्रह्म सरोवर लेक, कौन सी स्टेटमेंट ब्रह्म सरोवर लेक के बारे में सही नहीं है, और इसमें से पॉइंट उठा लेगा। और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, यार पढ़ा तो है और ये पता है थानेसर में है लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता। तो थोड़ी सी चीजें आप लोग को इस तरीके की ध्यान रखनी है। अब ये पता चल गया कि थानेसर में, कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा जी के साथ चीजें जुड़ी हुई है। और दूसरा क्या है, आपने अभी जाना किताब उल हिंद अल बरूनी की, उसमें मेंशन किया गया है। और मैंने आप लोग को बताया कि लास्ट टाइम पे जब युद्ध के समय जाते हैं दुर्योधन, तो इसी लेक में क्या हुए थे? वो अंडरग्राउंड हुए थे। देखो ये अपने हरियाणा में जो लेक्स आपको दिखाई देगी, ये खासकर मोस्टली वो लेक्स जो आपको कुरुक्षेत्र करनाल के नजदीक आपको दिखाई देगी, इन सब का, इन सब की स्टोरी आपको महाभारत के साथ मिलेगी, कनेक्ट मिलेगी। कि जैसे कर्ण लेक हुआ, तो कर्ण लेक के बारे में बताया जाता है कि कर्ण ने अपने कवच और कुंडल जो है वो उसी लेक के अंदर जो है धोए थे। तो ये सारी स्टोरी उसके साथ जुड़ी हुई है। अब इट्स इंपॉर्टेंट, फ्यूचर इज द होली सीट ऑफ लॉर्ड महादेव। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस लेक को देखते हो, तो एक बार मैं आप लोग को लेक के, लेक को दिखाऊंगा, तो इस लेक के बिल्कुल बीचों बीच किसका मंदिर बना हुआ है? लॉर्ड महादेव का मंदिर बना हुआ है। देखो जब आप कुरुक्षेत्र में एंट्री करते हो तो ब्रह्म सरोवर लेक जो कि पीपली इस रीजन के अंदर आता है, ये सारे के सारे, तो वहां पर आपको भूरेश्वर मंदिर, वहां पर आपको बिरला मंदिर, गीता भवन, ये सारे के सारे नजदीक नजदीक आप लोग को दिखाई देंगे। और ये सभी के सभी आप लोग की जो है महाभारत है उसके साथ रिलेट करते हैं।
लोर्ड शिवा का मंदिर, मतलब कुरुक्षेत्र में तो यार इतने ज्यादा मंदिर है, इतने ज्यादा टेम्पल्स है, और सभी के सभी आपको थानेसर उसके उस रीजन में आपको दिखाई देंगे, मतलब पीपली मेन रीजन है। तो एक बार देखते हैं, कभी जाओ तो भाई विजिट करना। देखो ये है ब्रह्म सरोवर लेक, आपको दिखाई देगा कि अगर आप गौर करते हो तो ये पूरा का पूरा वॉटर है और बिल्कुल बीचों बीच ये किसका मंदिर है, लॉर्ड शिवा का, भगवान शिव का मंदिर बिल्कुल बीचों बीच है। बिरला मंदिर भी नजदीक में है, भुरेश्वर मंदिर भी नजदीक में है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के टेंपल आप लोग को इस लेक के नजदीक में मिल जाएंगे। तो ये आपकी कौन सी लेक हुई फिर, ब्रह्म सरोवर लेक। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों ने इसका समझ लिया, तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट लेक की तरफ। दमदमा लेक, चलिए समझते हैं दमदमा लेक। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, सर हरियाणा की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मैं आप लोगों को कहूंगा दमदमा लेक। कहां की है, गुरुग्राम की। देखते हैं कि क्या इसके साथ स्टोरी है। देखो एक तो आप लोगों ने समझा बड़खल लेक, दूसरा दमदमा लेक, ये दोनों लेक जो है ना वो 1947 के अंदर ही इरिगेशन पर्पज के लिए प्रोजेक्ट की गई थी। अब यार एक पॉइंट आप लोग समझो थोड़ा सा, कॉन्सेप्चुअली मैं आप लोग को चीजें बताता हूं। अरावली रीजन जो है ना, अरावली रीजन आपको पता है ड्राई रीजन है, सूखा क्षेत्र है, रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल जब कम होगी तो वहां पर इरिगेशन के लिए हम क्या क्या अपना सकते हैं, क्या कैनाल निकाल सकते हैं, नहरें निकाल सकते हैं? नहीं भाई, क्योंकि वहां की रिवर जो है वो भी ड्राई है, सूखी हुई है। दूसरा क्या कर सकते हैं, नहर का ऑप्शन अपने पास है नहीं, इसलिए आप लोग देखोगे कि जितनी भी जो कैनाल है वो जनरली आपकी वेस्टर्न ईस्टर्न यमुना रिवर घग्गर रिवर यहां से निकाली गई है और उनको कनेक्ट किया गया है। सदन जो कैनाल जो बनाई गई है वो इसलिए ताकि वहां से उनको वाटर की सप्लाई हो सके, इसलिए। अब आप लोग जब देखते हो तो अरावली रीजन पूरा ड्राई रीजन है, सूखा क्षेत्र है, रेनफॉल 40 सेंटीमीटर से भी कम मिलेगी आपको यहां पर। पूरे हरियाणा में तो यार 60 to 110 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, रेनफॉल कम है, तो कैनाल जो है कैनाल अपने आप में ड्राई होगी, सूखी होगी, नहरों में भी पानी नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हम इस रीजन के अंदर जो फवारा है या फिर ड्रिप इरिगेशन है, या फिर आपका जो लेक के द्वारा जो इरिगेशन किया गया, इन चीज को अपना सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है किसका, वाटर का। तो जनरली हम लोग ड्रिप इरिगेशन का आज के टाइम पे यूज करते हैं। ड्रिप का मतलब आप लोगों को पता है कि ड्रिप ड्रिपिंग की जाती है जो फसल जो क्रॉप्स होती है उसमें, और वाटर की सप्लाई करवाई जाती है। लेकिन 1947 के टाइम पे क्या था कि जब इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे हरियाणा के सदर्न पार्ट को देखना था, क्योंकि इंडिया जो है एग्रीगेन सोसाइटी है, एग्रीगेन इकोनॉमी है इंडिया की, तो उसके लिए वाटर जरूरी है, वाटर की सप्लाई जरूरी है, और इसके लिए हमने दमदमा लेक और कुंची लेक, ये गुरुग्राम के अंदर, फरीदाबाद में कुंची लेक, बरखल लेक, इसमें इरिगेशन पर्पज के लिए इनको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो एक बार देखते हैं अरावली हिल्स, जो कि गुरुग्राम का जो सोहना है। देखो आप अराउंड अराउंड आपको मिलेगा गुरुग्राम मेन से देखते हो तो लगभग 25-30 किलोमीटर दूर जो है सोना है, और वहां पर सोना में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन आपका दमदमा लेक एंड सेकंड कुंड ऑफ सोना, सोना का कुंड। अब मैं दोनों आप लोग को समझाऊंगा। अब ये मत सोचना कि मैं आप लोग को सिर्फ लेक्स ऑफ हरियाणा ही करा रहा हूं, इससे जुड़ी हुई जितनी भी जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोग को बताते हुए चल रहा हूं। सोना का कुंड किसके लिए फेमस है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो दमदमा लेक और सोना कुंड, ये दोनों कहां पर है, सोना के अंदर, और ये किस रीजन में लाई करते हैं, अरावली रीजन में, और 3000 एकड़ के अंदर जो कि होगा 12.14 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो लेक है वो फैली हुई है। अब इस लेक को कंस्ट्रक्ट किया गया है जो अरावली के जो स्टोन्स है, जो पत्थर है, उससे जनरली इसको बनाया गया है। तो दिस लेक वॉज फॉर्म्ड व्हेन ए स्टोन एंड अर्थन डैम कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश वॉज कमीशन फॉर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग। मैंने आप लोग को बताया रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए 1947 के अंदर। तो 1947 के अंदर इसको रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, और हरियाणा की लार्जेस्ट लेक आपको ये दिखाई देगी। सुनना, मैंने आप लोग को बताया सोना के साथ दो चीजें है, एक तो दमदमा लेक, सेकेंड है सोना कुंड। सोना कुंड
देखो क्या होता है कि आप बायो के अंदर भी आप लोग देखते हो, अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी कुंड में नहाने जाते हैं। अब ज्योग्राफी के अंदर वोल्केनो का कॉन्सेप्ट आता है, ज्वालामुखी का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, और उसमें होता यह है कि आर्टिशियन वेल जो द्वारे है, फुमरोलस है, या जो कुएं है, उत्सर्पित कुएं जो है, आर्टिशियन वेल जो है, वहां से क्या होता है गर्म पानी निकलता है बाहर, और जब ये हॉट वाटर बाहर निकलता है तो इसके अंदर सल्फर मिला होता है, और वो जो सल्फर होता है वो अपनी स्किन के लिए जो क्यूरेबल है उसको क्योर कर देता है। तो इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं कहां पर, इस सोना के कुंड के अंदर, जिसको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वहां पर डुबकी लगाते हैं, और उनकी जो स्किन है, चूंकि सल्फर है, केमिकल है, और वो हमारी स्किन के लिए क्यूरेबल होता है, कैसे होता है फिर वो, यार वो साइंस की चीजें हो गई, तो वो वहां पर आपको उसका बैकग्राउंड आपको दिखाई देगा। तो ये सारी के सारी वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा सोना कुंड जो है बना हुआ है, और इसी के नियर बाई आपको कौनसी लेक मिलेगी, दमदमा लेक सोना के अंदर। 1947 के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इसको प्रोजेक्ट किया गया था, कमीशन किया गया था। तो ये थी आपकी कौनसी लेक, दमदमा लेक। अब अगला पॉइंट जो आता है आपका वो कौन सा आता है, कर्ण लेक। आप गए होंगे बहुत बार कर्ण लेक, ऑपोजिट साइड आपने स्कूल देखा होगा, डीपीएस स्कूल के जस्ट अपोजिट साइड ये कर्ण लेक, मैनमेड लेक है यार, लेकिन इसको भी कहा जाता है कि ये मैनमेड भले ही, लेकिन महाभारत के अंदर इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसके साथ है कि जो कर्ण थे, कर्ण की नगरी आपको पता है कौन सी है, करनाल है, टाउन ऑफ कर्ण। तो कर्ण ने अपने कवच और कुंडल जो है वो इसी जगह पर धोए थे, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या, कर्ण लेक। इसलिए नहीं पड़ा कि कर्ण वहां पर जो है करनाल है, तो उसके नाम पर कवच और कुंडल उन्होंने अपने इस जगह पर धोए थे, तो फिर बाद में इसको, ये मैनमेड लेक है ध्यान रखना आप लोग, नेचुरल नहीं है ये। तो कहां पर है, करनाल के अंदर है, लाइस मिडवे बिटवीन दिल्ली टू चंडीगढ़, नियर द जीटी रोड। तो मेन आपको यार जब आप जैसे ही क्रॉस करोगे तो मेन हाईवे पे ही आप लोग को दिखाई दे जाएगी और यार ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोग को ना रास्ता बताऊंगा कि इस रास्ते से जाना, नहीं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि मैनमेड लेक है, क्रिएटेड 1972 के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था। और अगर आप देखते हो तो इसकी सेप 17 एकड़ में ये फैली हुई है, जो सेप जो है वो इसकी एक सर्कल की तरह है, किसकी तरह है, सर्कल की तरह है। इस तरीके से इस लेक को बनाया गया है, बिल्कुल सर्कल की तरह। ये कौन सी थी आपकी, कर्ण लेक है। तो आई होप कि आप लोगों ने लेक के बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है, और उससे रिलेटेड आसपास की जो इंफॉर्मेशन थी वो भी मैंने आप लोगों को दे दी है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अगली जो लेक है, सन्निहित सरोवर लेक। देखो हरियाणा की लेक के बारे में अगर आपको पता करना है कि क्या बैकग्राउंड है इसका हिस्टोरिकल, तो इसके नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। नाम से पता चल रहा है सन्निहित, मतलब उसके अंदर ही समाना, सरोवर लेक। तो देखते हैं एक बार ये भी कहां पर है, थानेसर, जो कि कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। अभी आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले ब्रह्म सरोवर लेक, तो थानेसर के कुरुक्षेत्र के थानेसर जगह पर है। अब ये एक धार्मिक रिजर्वर है वाटर का, रिलीजियस इंपोर्टेंस है इसकी। मतलब देखो कुरुक्षेत्र की जो लेक्स आप लोगों को मिलेगी, कुरुक्षेत्र की जो झीलें आपको मिलेगी यार, ये सारी की सारी रिलीजियस इंपोर्टेंस है। मैंने आप लोग को बताया भुरेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर, गीता भवन, स्थानेश्वर मंदिर, ये जितने भी मंदिर आप लोग को यहां पर दिखाई देंगे वो इन्हीं लेक के नियर बाई दिखाई देंगे, और ये सारी है ना थानेसर जो पीपली रीजन है वहां पर आप लोग को ये मिलेगी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस लेक इज बिलीव टू बी द कन्फ्लुएंस ऑफ और मीटिंग प्लेस ऑफ 7 सरस्वती रिवर, जो 7 सरस्वती नदियां है, सब सैंधव अलग था, 7 सरस्वती रिवर जो है उसके पॉइंट पर ये सन्निहित सरोवर लेक जो है वो आपकी बनी हुई है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया सन्निहित सरोवर लेक। कई लोग इसको सन्निहित सरस्वती लेक भी बोल देते हैं, या
पहले के लोग तो अगर आप लोग देखते हो तो इसको नाम भी दे दिया गया था क्या कि सरस्वती की सिस्टर। तो सरस्वती या सन्निहित सरोवर या इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखना किसके बारे में वो पूछ रहा है, थानेसर और कहां पर आपकी यह है कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी लेक है, सन्निहित सरोवर। अब अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, दिस लेक इज कंसिडर्ड एन अबोड ऑफ द हिंदू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का निवास स्थान बर्थ प्लेस भी बताया जाता है कि जो भगवान विष्णु है उसका उनका जो मेन प्लेस था वो यही सन्निहित सरोवर था। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो कुछ पॉइंट आप लोग को ध्यान रखने हैं इनके बारे में। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा ना लेक्स के बारे में अदर इंफॉर्मेशन जो होती है बाकी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी एक बार मैं डिस्कस करूंगा। तो ये बाकी की लेक्स आप लोगों ने समझ ली है। देखो पॉइंट क्या मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि हरियाणा की जो लेक्स है ना उसमें नेचुरल मैनमेड ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हरियाणा के जो खासकर वो लेक जो सदर्न पार्ट में है सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, सैलाइन लेक है। और होता क्या है कि ये जो लेक्स है इसमें इनमें पानी तो इतना होता नहीं है, जब वाटर नहीं होगा और वेपराइजेशन की प्रोसेस होगी तो पानी तो जो है वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाएगा और वाटर के जो सेलाइन थे वो क्या होते हैं यार उसमें सोइल के अंदर मिल जाते हैं। और आपको पता है कि अगर सेलाइन सोइल के अंदर मिल गए तो सोइल की सेलिनिटी को इंक्रीज कर देंगे और जब सोइल की सेलिनिटी इंक्रीज हो गई लवणता बढ़ गई, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इसलिए मेरे को हिंदी में भी थोड़ा सा बोलना पड़ेगा भाई। तो लवणता अगर बढ़ गई इंक्रीज हो गई तो उससे जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बताया है कि मोस्ट फर्टाइल सोइल वो है जिसकी पीएच वैल्यू 6.4 के आसपास होती है और सैलिनिटी अगर ज्यादा है तो मतलब एसिडिटी ज्यादा है। तो हरियाणा की जो सोइल है जो सदर्न पार्ट में अगर देखोगे तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्योंकि वहां पर वाटर भरता है और वो वाटर वेपर हो जाता है और वहां की सोइल कैसी हो जाती है, सैलाइन हो जाती है। हालांकि डिटेल में डिस्कस करेंगे सोइल चैप्टर जो हरियाणा का हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ये चीजें हैं। दूसरा आप लोग देखोगे कि हरियाणा की जो लेक्स है वहां पर आपको प्रॉब्लम क्या नजर आएगी कि इनको बनाया गया था किसके लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए। दो तीन लेक आप लोगों ने समझा, जैसे दमदमा लेक हुआ, जैसे आपकी बड़खल लेक हुआ, लेकिन बाद में यार इनको जोड़ दिया गया किसके साथ, रिलीजियस इंपोर्टेंस के साथ, वो कोई गलत चीज नहीं है। और वहां पर आगे चलकर सरकार ने काफी जो है रिकंस्ट्रक्शन इनमें किया और फिर यार जो इरिगेशन के लिए होना चाहिए था खैर वो तो इतना जो है काम हो नहीं पाया, लेकिन हाँ आज के टाइम पे आप लेक देखोगे तो सरकार ने अच्छा खासा उसको क्या है मेंटेन किया हुआ है। सोइल डिग्रेडेशन वगैरह की प्रॉब्लम भी हरियाणा के अंदर यहाँ पर मेनली दिखाई देगी। तो चलिए ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की किसके, हरियाणा की जो लेक्स है उनके बारे में। तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट लेक पर, अपनी जो नेक्स्ट लेक है वो कौन सी है, सुखना लेक। पता ही होगा आप लोग ज्यादातर, अपना जो चैनल है वो भी यहीं पर है चंडीगढ़ में। तो सुखना लेक जो है, दिस लेक इज लोकेटेड इन द शिवालिक फुटहिल्स इन द चंडीगढ़ विच इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। देखो सुखना लेक आपको चंडीगढ़ में दिखाई देगी और ये जो सुखना लेक है, चूंकि इसके बारे में आप लोग काफी चीजें जानते हो, लेकिन कुछ एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखने कि ये कितने एकड़ में फैली हुई है और कब इसको नेशनल वेटलैंड डिक्लेयर किया गया, ये चीजें। कंबाइंड कैपिटल दिस लेक इज मैनमेड, एक तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेक है वो मैनमेड है और किसकी गाइडेंस में, जो चंडीगढ़ के जो आर्किटेक्चर है ला कर्बूजियर, मेन आर्किटेक्चर जो है चंडीगढ़ के, और पीएल वर्मा जो चीफ इंजीनियर है उस उनकी देखरेख में, उनकी डायरेक्शन में, उनकी गाइडलाइंस के अंदर इस लेक को बनाया गया है। हालांकि पूरा चंडीगढ़ शहर ही ली कार्बूजियर वो उनके मेन आर्किटेक्चर रहे हैं, तो सुखना लेक को हम अलग से क्यों रखते हैं। दूसरा क्या है
कि दिस लेक वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1958 के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था. मैनमेड लेक है, ध्यान रखना आपको. और कितने एकड़ में फैली हुई है? 188 हेक्टेयर के अंदर. तो 188 हेक्टेयर के अंदर ये जो है आपको दिखाई देगी, पूरा इसका ज्योग्राफिकल एरिया है. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि 1988 में इसको नेशनल वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया. अभी आप लोग वेटलैंड के बारे में जानोगे कि वेटलैंड जनरली होते क्या है, आदर भूमि जिसको आप लोग बोलते हो. अब वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट भी बना रखा है. और ये जो वेटलैंड है, अब दो मिनट के बाद आप इस पॉइंट को समझने वाले हो. तो रामसर साइट्स जो रामसर है, 2 फेब को 1971 के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था. 2 फेब को वेटलैंड डे डिक्लेयर किया गया है, आदर भूमि दिवस बनाया गया है. तो ये जो सुखना लेक है, नेशनल वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था इसको कब? 1988 में. अब देखो सिंपल सा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि 1958 में ये इसको बनाया गया था, 188 हेक्टेयर में है. अब 88 यहां पर आ रहा है और 88 क्या है लास्ट में, यहां पर है. तो याद रखने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक जो है आपकी, 88 जो है लास्ट में आ रहा है, उससे आप लोग ध्यान में रख सकते हो. तो आइए समझते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा और. तो ये तो आपको पता चल गया. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये वेटलैंड आखिर होते क्या है और हरियाणा में कितने वेटलैंड है? देखो हरियाणा में सिर्फ दो ही वेटलैंड है, एक है बसई, गुरुग्राम में पड़ता है, और दूसरा आपका भिंडावास. मैंने बताया कि वास जहां पर आ जाए, भिंडावास, खपड़वास, ये कहां आपका आता है? झज्जर के अंदर आता है. देखो मैं आप लोग को बच्चों एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग है ना, मतलब ये सोच के मत चलो कि यार हमारा सिलेबस कितना बड़ा है, या हमारी हरियाणा जी के कवर होगी या नहीं होगी, या दूसरा सब्जेक्ट कवर होगा या नहीं होगा. आपको क्या करना है कि अभी ये जो 2 से 3 महीने आपके जो बचे हुए हैं, एक तो आप है ना इसमें जितना हो सके स्टडी आवर्स निकालो, पढ़ने के लिए टाइम निकालो, और बार बार है ना रिवीजन करो. आप किसी स्टेट सर्विस एग्जाम को अगर आप लोग देखते हो, तो उस स्टेट सर्विस एग्जाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका पंजाब पीसीएस हो, चाहे आपका राजस्थान पीसीएस हो, वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल दोनों क्वेश्चन आते हैं. अगर आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन छोड़ दी, तो हो सकता है जितने क्वेश्चन आ रहे हो उसमें से लगभग 20 क्वेश्चन आपके फैक्चुअल आ रहे हैं वो छोड़ दें. लास्ट टाइम का जब प्रीलिम्स एग्जाम आप हरियाणा सिविल सर्विस का देखते हो, तो उसमें तो सारे ही फैक्चुअल क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोई इक्का दुक्का था बस. सेम कंडीशन यूपी के अंदर भी होती है. यूपी के अंदर अभी पिछले 2-1 साल से फैक्चुअल क्वेश्चन कम आने लगे, वरना पहले तो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते थे. आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो वहां पर डायरेक्टली आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं. आप यहां पर हरियाणा जीके पढ़ोगे तो हरियाणा में हो सकता है ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए कि आप कहोगे यार ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती है. तो वो चीजें आप लोगों को घबराने की उसमें जरूरत है नहीं. हरियाणा जीके मैं आप लोगों की कंप्लीटली जो है अच्छे से देख लूंगा, उसके अंदर उम्मीद करूंगा कि आपके 10-15-20 क्वेश्चन जितने भी आए, करंट को भी मिलाकर, करंट हरियाणा जी के सर्वे को भी मिलाकर, स्कीम्स को भी मिलाकर, वो आप लोग के कवर हो जाएंगे. इक्का दुक्का यार क्वेश्चन तो जनरली छूटता ही, उसमें कोई ऐसी चीजें है नहीं. हाँ डेट डिक्लेयर अभी तो कुछ ऐसा कंफर्मेशन है नहीं कि कब एग्जाम है कब नहीं, लेकिन आप मान के चलो कि हमारे पास 2 से 2.5 महीने ही है. और आप एक चीज और करते रहो, जितना हो सके ना जो स्टेट सर्विस के जो प्रीलिम्स एग्जाम है उनकी भी क्वेश्चन, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहो. वहां से फायदा क्या होगा, बेनिफिट आपको क्या होगा, कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं यार स्टेट के अंदर जो डायरेक्टली अदर स्टेट से उठा के पूछते हैं. और खासकर जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ये करता है, हरियाणा का तो एग्जाम आपको पता है 4-5 साल में एक बार होता है. तो अभी वैकेंसी आई है, 2018 में थी, अब 3 साल के बाद वैकेंसीज आई है. तो भाई मौके को नहीं गंवाना है. और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग है ना एक दिन मेरे को सभी के सभी एसडीएम की पोस्ट पर दिखो, डीएसपी की पोस्ट पर दिखो. और मतलब भाई हम भी एक दिन जब आपसे मिलने आए तो हमें भी फक्र हो कि भाई ऑनलाइन इनको पढ़ाया है हमने और मेहनत की इन लोगों के साथ, और ये लोग अच्छे जो है मुकाम पर आज पहुंच गए हैं. तो मैं वही चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अदर स्टेट के जो प्रीलिम्स एग्जाम है उनकी भी आप तैयारी करते रहो. और जल्दी जो है जो हरियाणा सिविल सर्विस का जो लास्ट टाइम
2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप के हरियाणा के कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए। एक पूरा एनालिसिस मैं आप लोग के सामने लेकर आऊंगा और इस एरिया से इतने क्वेश्चन आए हैं और इस एरिया से ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। खैर तो ज्यादा स्पीच मैं दूंगा नहीं, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था लेक्स का, वही एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लेक्स। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब कुछ लेक्स ऐसी है जो आपके एग्जाम में है ना बिल्कुल सिंपल वे में पूछ लेगा। आप कहोगे कि यार ये तो लेक है ही नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब इसका तो नाम ही नहीं सुना हम लोगों ने, तो वो छोटी छोटी लेक्स है उनकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, वो देख लेते कौन कौन सी लेक है। अब देखो आप लोग एक दो लेक्स को छोड़ दो, बाकी जो वहां पर जो विलेज है, जो गांव है, उसी गांव के नाम पर ही उन लेक का नाम वो पड़ा है। जैसे एक बार समझते हैं, सबसे पहले आपकी आती खलीलपुर लेक। कौन सी आती है आपकी? खलीलपुर। यार खलीलपुर गांव है एक, और कहां पर है ये? गुरुग्राम में पड़ता है। कौन सा है? गुरुग्राम के अंदर कौन सी लेक है? खलीलपुर। अगली आपकी आती कोटला लेक। कोटला तो खैर ऐसा कोई गांव नहीं है, ये कहां पर आपका? मेवात नूह। पहले मेवात नाम था, बाद में नाम चेंज हो गया और नाम क्या पड़ गया? नूह। अगली जो आपकी लेक है वो कौन सी लेक है? उजीना लेक। कहां पर है? नूह। ये उजीना गांव भी आपको आपका, तो नूह मेवात के अंदर, कोटला लेक, उजीना लेक, ये दो इंपॉर्टेंट लेक हो गई। अगला आता है आपका सुल्तानपुर लेक। सुल्तानपुर जो है आपका एक नेशनल पार्क भी है, उसके बारे में अभी हम लोग और इंफॉर्मेशन जानेंगे, और दूसरा आपका लेक भी है, मतलब नेशनल पार्क के नजदीक ही क्या है आपके? सुल्तानपुर लेक है। सुल्तानपुर जो है वो सुल्तान सिंह चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र वगैरह, मतलब उनकी पीढ़ियों में जो थे उनके नाम पर आया है। आगे समझेंगे हम लोग पूरा का पूरा हिस्ट्री के साथ ये चीजें जुड़ी हुई है। अगला जो आपका वो है बीबीपुर लेक। ये बीबीपुर भी आपको पता है कुरुक्षेत्र के अंदर एक गांव है, वहां पर है। कुरुक्षेत्र के अंदर तो यार आप लोगों ने बहुत सारी लेक के बारे में, मतलब बहुत सारी तो नहीं, सन्नीत सरोवर, ब्रह्म सरोवर लेक, और तीसरी कौन सी हो गई आपकी? बीबीपुर लेक। अगला जो है वो आपका है तिलियर लेक। तिलियर लेक कहां पर है? रोहतक के अंदर है। तिलियर लेक के बारे में तो काफी सुना होगा, और ये है ना काफी फेमस लेक है तिलियर लेक, जो दूसरी जगहों से जो भी टूरिस्ट आते हैं वो तिलियर लेक को देखने जरूर, काफी अच्छी लेक बनाई गई है तिलियर लेक। बाकी तो खैर हरियाणा में आप जाओगे तो इतनी ज्यादा आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन तिलियर काफी है। दूसरा अगला जो आपका है ब्लू बर्ड। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। ब्लू बर्ड लेक जो है वो हिसार में है। अब ये जो ब्लू बर्ड है वो एक बर्ड का नाम है, पक्षी का नाम है, और वो ही है कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड है ये यहाँ पर विजिट करते थे, और जब विजिट करते थे तो उनके लिए एक टाइप की ये जो है प्लेस ही बन गई उनके रहने के लिए, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया क्या? ब्लू बर्ड लेक। तो कुछ छोटी लेक्स थी जो आपके एग्जाम के अंदर जनरली पूछ लेता है। खलीलपुर लेक जो आपकी गुरुग्राम में है, खलीलपुर जगह का भी नाम है। दूसरा आपकी कोटला लेक, उसके बाद ये नूह मेवात में। उजीना लेक ये भी नूह मेवात में। सुल्तानपुर लेक गुरुग्राम में, बीबीपुर लेक कुरुक्षेत्र में, तिलियर रोहतक में, और ब्लू बर्ड लेक कहां पर हो गई आपकी? हिसार के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी जो कि काफी छोटी छोटी लेक्स है। मेन जो लेक है उसके बाद ये आप लोग को चार्ट के फॉर्मेट में आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो चलिए लेक्स लगभग हरियाणा की हम लोगों ने कवर कर ली। अब मान लो कोई ऐसी जगह दे दे, और जैसे मान लो खपड़वास दे दिया उसने, और आपको पता है कि यार ये जो जगह ना झज्जर में पड़ती है, और वहां पर एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता दूं कि लेक है नहीं, और फिर भी उसने बोल दिया कि ये वाली लेक कहां पर है, या अनंगपुर डैम के नियर बाई कौन सी लेक है। तो वो जब आप लोग धीरे धीरे हरियाणा के दूसरे पोर्शन, अदर पोर्शन जब आप कवर करोगे ना, तो वहां पर भी आपकी बाकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दो यार मेरे गांव में भी एक मैनमेड लेक बना रखी है, और हरियाणा के हर गांव में मिलती है लेक, जिसको आप लोग झोड़ बोलते हो ना, खैर मजाक था भाई ये। तो वैसे जो क्वेश्चन है कोई भी ऐसे उठाकर पूछ देगा, तो आप ध्यान रखना कि अगर आपको जगह के बारे में पता है तो आप उनके बारे में बता सकते हो कि ये उस जगह पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक से रिलेटेड ही एक अपना टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं वेटलैंड। देखते हैं समझते हैं।
वेटलैंड्स इन हरियाणा। पहले तो समझते कि यार ये वेटलैंड होता क्या है, आर्द्र भूमि, नाम से पता चल रहा है वेटलैंड, हिंदी में देखते हो आर्द्र भूमि, ऐसी लैंड जो क्या हो रखी है, वेट हो रखी है। हालांकि ये तो इतनी आसान लैंग्वेज में तो हम इसकी डेफिनेशन नहीं देंगे, लेकिन समझते हैं कि आखिर वेटलैंड है क्या। देखो, जब आप लेक को देखते हो तो लेक क्या है, एक इनलैंड बेसिन है, और इनलैंड बेसिन में जो वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड लेवल से अप पार्ट की तरफ ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये हमने देखा, यहां पर ये जो है वाटर है तो इसको हम लोग बोल देंगे लेक। दूसरी तरफ वेटलैंड क्या होता है, अब वेटलैंड में देखो बहुत सारी चीजें कवर होती है, जैसे हमारे धान के खेत है, पेडी फील्ड जो है वो भी एक टाइप का वेटलैंड का एग्जांपल है, क्योंकि ऐसी लैंड जो कि क्या है, जहां पर वाटर रुका हुआ है या इवन मूविंग वाटर भी है, चाहे जरूरी नहीं है कि वो सारी लैंड पर ही वो हो, अगर कुछ रीजन के अंदर भी वाटर आपको दिखाई देगा तो वो भी उसको वेटलैंड बोल देंगे। इवन सिरसा की जो मार्सी लैंड है, जो स्वाम्प रीजन है, उसको भी वेटलैंड बोलेंगे। आप फॉर एग्जांपल आप लोग सिरसा के अंदर अनकई दलदल देखते हो, मार्सी लैंड देखते हो, तो अनकई मार्सी लैंड वहां पर दिखाई देगी, तो वहां पर भी क्या है कि वहां पर भी कुछ जगहों पर वाटर लॉगिंग होती है, जल भराव रहता है, जहां पर वाटर लॉगिंग होगी, जहां पर पानी होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको वेटलैंड कहेंगे। कहोगे सर फिर डिफरेंस क्या है वेटलैंड और इसमें, देखो लेक में, लेक में क्या है कि यार आपको है ना कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं दिखाई देगा, कहीं भी ट्रांजिशन नहीं दिखाई देगा, किस चीज का, कि भाई पानी भरा हुआ है, बीच में से जो है टेरिस्टेरियल कुछ हब्स वगैरह स्कब्स वगैरह वो उग गए और बीच में से लैंड आ गई नजर जगह जगह पर, फिर पानी कम हो गया, तो इसको हम लोग लेक नहीं कहेंगे। लेक के अंदर कॉन्स्टेंट पानी रहता है और वो या तो मूविंग होगा या स्टेशनरी होगा। वेटलैंड में कैसा होता है, वेटलैंड में मैं आपको दिखाता हूं, देखना ये आप लोग देखो, ऐसी जगह पर आपने विजिट किया होगा तो जो अपना ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के बिल्कुल नजदीक नजदीक नियर बाई आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और यहां पर आपको छोटे छोटे प्लांट्स कर्ब्स हर्ब्स वगैरह वो आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर अगर आप लोग फोकस करते हो, अगर यहां पर ऐसा होता इस रीजन से लेके इस रीजन तक पूरे में वाटर होता, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई नहीं देता, तो इसको मैं बोल देता लेक है, ये है झील। लेकिन यहां पर ट्रांजिशन पॉइंट हो गया, कहीं पर लैंड, कहीं पर वाटर, कहीं पर कुछ, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेटलैंड बोल देंगे। लेक का डायग्राम आप लोगों ने देखा और वेटलैंड आपको यहां पर नजर आ जाएगा। अब जब आप लोग पैडी फील्ड को देखते हो, धान के खेत को देखते हो, धान के खेत में भी आपको क्या दिखाई देगा, इसी तरीके की। देखो एनवायरमेंट के अंदर जो सर है वो आपका डिटेल में कवर करवा देंगे, यहां पर मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को वेटलैंड की दे रहा हूं। अब यहां पर देखो पैडी फील्ड भी कुछ इस टाइप से ही आपको दिखाई देता है, धान के खेत भी, वहां पर भी पानी भरा रहता है, बीच बीच में कुछ ट्रांजिशन पॉइंट आ जाएंगे जहां पर जो लैंड है और जो वाटर है उनका इंटरसेक्शन आपको दिखाई देगा, तो इसी रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, वेटलैंड कहेंगे। अब एक आप लोग सिरसा का मार्शी लैंड देखते हो, सिरसा के अंदर जो वहां का ग्राउंड है वो बिल्कुल ही प्लेन नहीं है, और जब ग्राउंड प्लेन नहीं है तो वाटर लॉगिंग होती रहती है, तो इसलिए मार्सी लैंड ऑफ सिरसा इज आल्सो नोन एज वेटलैंड। सिरसा का जो मार्सी लैंड है उसको भी वेटलैंड कहेंगे। अब जो 2 फरवरी 1971 में जो रामसर जो कन्वेंशन हुआ, रामसर जो साइट्स है वो डिक्लेयर की गई है नेशनल वेटलैंड, क्योंकि जो नेशनल वेटलैंड होते हैं वो एक टाइप से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहां की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को शो करते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर की सप्लाई हो रही है, और जब वाटर मिल रहा है, जल मिल रहा है, तो वहां पर एनिमल्स भी आपको मिलेंगे, बर्ड्स की अलग अलग स्पीशीज मिलेंगी आपको, प्लांट्स की अलग अलग स्पीशीज मिलेगी, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस है ये कौन से वेटलैंड। देखते हैं आगे, तो उम्मीद करता हूं आई होप कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेटलैंड, कि वेटलैंड आखिर है क्या, और वेटलैंड और इसमें डिफरेंस क्या है, एक बार देखते हैं आगे।
वेटलैंड्स आर एरिया वेयर द वॉटर कवर्स द सरफेस ऑफ द सोइल. ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जो सोइल का जो सरफेस है उसको कवर करता है. सारी सरफेस के सोइल को वॉटर कवर कर ले ये जरूरी नहीं है, लेकिन वेट होना चाहिए वो, आइदर परमानेंटली और सीजनली. ये देखो, या तो परमानेंटली होगा या सीजनली होगा. दे आर टर्न्ड इनटू मार्शेस, स्वाम्स, कंसिस्ट ऑफ ए डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम. एक टाइप का इकोसिस्टम बनाते हैं ये. देखो, इकोसिस्टम आपको पता है कि प्लांट्स, एनिमल्स या फिर आपकी अदर स्पीसीज, वहां पर ये सब का जो सिस्टम है वो एक टाइप से इकोसिस्टम बन गया है. तो स्वाम्स वगैरह हुआ, मार्शी लैंड्स वगैरह हुआ, ये सब किसके एग्जांपल है? पेडी फील्ड्स हुआ, सिरसा वाला पॉइंट हुआ, ये सब किसके एग्जांपल है? वेटलैंड के. दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ वेटलैंड. और हरियाणा में सिर्फ दो ही वेटलैंड है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. अब देखो क्या है. वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम. तो वेटलैंड को रिकॉग्नाइज किया गया है नेशनल कंजर्वेशन वेटलैंड प्रोग्राम के द्वारा. और आपको पता है 2 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वेटलैंड डे. तो ये भी इंफॉर्मेशन आप लोग की जुड़ गई. और ये रामसर साइट जो है, ईरान का जो तेहरान है उसके नजदीक में जो रामसर है उससे ये जुड़ा हुआ है. और हरियाणा की कौन कौन सी साइट्स है वो तो इसके अंदर खैर है नहीं, लेकिन हाँ इंडिया की कौन कौन सी है यू विल बी कवर इन ज्योग्राफी पोर्शन. तो वो आप लोग की ज्योग्राफी पोर्शन में कवर हो जाएगी. आइए समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि वेटलैंड होते क्या है. अब हरियाणा के कौन कौन से वेटलैंड है देखते हैं. सबसे पहला तो आपका बसई वेटलैंड आ गया. बसई, ये बसई जगह कहां पर है? गुरुग्राम में है. गुरुग्राम से कुछ ही किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको बसई दिखाई देगा. अब मैं आप लोग को बताता हूं, जब आप इस बसई रीजन में जाते हो ना, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो अनुभव रहा है, वो ये रहा है कि यार ये बसई रीजन है ना, यहां पर बाकी जो अपना गुरुग्राम है, इस गुरुग्राम की पूरी वाटर सप्लाई, पूरा जो है गंदा पानी हो चाहे कोई भी वाटर है, वो बसई की तरफ जाता है. इसलिए बसई रीजन के अंदर जहां पर पानी जाएगा वहां पर तो वेटलैंड बन जाएगा. एक तो ये चीज आपको दिखाई देगी. दूसरा आपको सेकंड पॉइंट जो आपको दिखाई देगा कि बसई के अंदर गुरुग्राम मेन टाउन के कंपैरिजन में रेनफॉल ज्यादा होती है. उसका रीजन क्या है? उसका एक रीजन ये है कि अरावली से थोड़ा सा हटके पड़ जाता है कौन सा? बसई. क्योंकि अरावली जो है ना, वो जो अपना नेशनल हाईवे 48 है उसके साथ साथ निकल जाती है. बसई थोड़ा साइड में पड़ जाता है. और इसी का रिजल्ट ये निकलता है कि वहां पर रेनफॉल भी गुरुग्राम के कंपैरिजन में थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है. अब रेनफॉल होगी चुकी तो वेटलैंड अपने आप बनना है, तो वो देखते हैं एक बार हम लोग. देखो, इट इज अ मार्सी लैंड. मैंने आप लोग को बताया ना कि दलदली क्षेत्र है, पूरा पानी वहां पर, वॉटर लॉगिंग होती रहती है. वो है स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 250 एकड़. 250 एकड़ के एरिया में ये फैला हुआ है. 250 एकड़ के अंदर ये बसई वेटलैंड फैला हुआ है. मैंने आप लोग को बताया कि बसई बना कैसे, किस तरीके से ये वेटलैंड बनी. देखो यार, आप लोग है ना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हर किसी बुक से उठा लोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हाँ जो करवा रहा हूं उसमें 99.9% जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट मिलेगी. 0.1% तो हम लोग भाई नहीं मान सकते कि हो सकता है कि मैं कोई इंफॉर्मेशन दू 0.1% कुछ पॉइंट में आ जाए. खैर उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर मैं क्या है कि आपके फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी बताऊंगा, जो आप लोग को बेसिकली आपको एक बुक पढ़ते हो तो उसमें नहीं मिलेगा. क्योंकि ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो कवर किया है, जो पढ़ा है मैंने, उसी के बेसिस पे मैं इसको जो है आपको अप्लाई करके बताता हूं. तो बसई के बारे में जान लिया. अब मैनी प्लांट्स एंड बर्ड स्पीसीज थ्राइव इन इट. एग्रीकल्चर एक्टिविटी आल्सो टेक प्लेस इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द वेटलैंड. बिल्कुल सही है, वेटलैंड यहां से वॉटर रहता है, रेनफॉल भी ठीक हो रही है गुरुग्राम के कंपैरिजन में, ओवरऑल तो कमी है. अगर यहाँ की रेनफॉल देखते हो तो आपको 70-75 सेंटीमीटर दिखाई देगी, कमी है, लेकिन हाँ काम चल रहा है. दूसरा क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि ये जो पूरा का पूरा बसई का एरिया है, यहां पर आपको बर्ड्स प्लांट्स जो है उनकी स्पीशीज बहुत सारी आपको दिखाई देगी. आप विजिट करोगे तो सुल्तानपुर लेक जो है वो भी आउटस्कर्ट्स में ही पड़ता है, फरुखनगर में पड़ता है.
जो गुरुग्राम का फरुख नगर है वहां पर ये भी आउटस्कर्ट्स में पड़ जाता है, और बसई जो है वो भी आउटस्कर्ट्स में पड़ता है किसके, गुरुग्राम के। तो प्लांट्स और बर्ड की स्पीसीज आपको मिलेगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी मिल जाएगी यहां पर काफी मात्रा में। द वेटलैंड स्पोर्ट्स ए हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। मैंने आप लोग को बताया, देखो बायोडाइवर्सिटी ये जो वर्ड है इसको थोड़ा सा आप लोग जानो। ऐसा रीजन बायो मीन्स जो बायोलॉजी, जो जीव होता है, कोई भी स्पीसीज होती है उसकी अलग अलग वेराइटी, अलग अलग वेरिएबिलिटी। बर्ड्स की अलग अलग वेराइटी मिल रही है, अलग अलग वेरिएबिलिटी मिल रही है, प्लांट्स की अलग अलग वेराइटी मिल रही है। जितनी ज्यादा वेराइटी होगी, जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी। और ये वहां पर आपको ज्यादा दिखाई देगा कि जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती हो या जहां पर वाटर ज्यादा मिलता हो। पानी ज्यादा होगा तो यार पेड़ होंगे, प्लांट्स होंगे, और प्लांट्स ट्रीज होंगी तो उन पर रहने के लिए बर्ड्स वगैरह तो आएंगे। और दूसरा क्या है कि वहां की जो प्लेस है, अगर वह टेम्परेचर ठीक है, वहां का टेम्परेचर ना ज्यादा है ना ज्यादा कम है, उन बर्ड्स के लिए, उन स्पीसीज के लिए सुटेबल है, तो वो भी माइग्रेट करेंगे। सुल्तानपुर में यही तो है, हरियाणा का गुरुग्राम में ही जो सुल्तानपुर लेक है या सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क है, साइबेरियन सारस आते हैं यहां पर, साइबेरिया से, अफगानिस्तान से बर्ड्स आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जाएंगे तो सुल्तानपुर में ही हमारे लिए सुटेबल है विंटर सीजन के अंदर। तो खैर ये चीजें आप लोग को देखनी है। तो बायोडाइवर्सिटी मैंने आप लोग को बताया कि हाई डाइवर्सिटी है बर्ड्स की और बाकी स्पीसीज की, प्लांट्स की, तो इसलिए भी इसको IBA जो है बायोडाइवर्सिटी एरिया इसको डिक्लेयर किया गया है। तो ये हुआ आपका कौन सा, बसई वेटलैंड। तो या एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो वेटलैंड होगा वो वहां पर हाई बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट वेटलैंड की तरफ। अगला आपका आता है कौन सा, भिंडावास। नाम से ही पता चल रहा है भिंडावास। अभी आप लोगों ने लेक के बारे में भी समझा, भिंडावास लेक। लोकेटेड इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट, कहां पर सिचुएटेड है ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1047 एकर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1047 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है, और दिस इज लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ हरियाणा। हरियाणा का क्या है, ये लार्जेस्ट वेटलैंड है। हरियाणा में दो ही वेटलैंड है, एक बसई हो गया और एक कौन सा हो गया, एक आपका ये वाला हो गया। तो ये लार्जेस्ट वेटलैंड है किसका, आपके हरियाणा का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है आपकी यहां पर। और अगला ये ध्यान रखना है आपको कि बर्ड स्पीसीज अलग अलग जगह से माइग्रेट करते हैं यहां पर, किस पर, भिंडावास के अंदर। तो ये था आपका लेक्स एंड वेटलैंड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेक्स एंड वेटलैंड। तो लेक्स और वेटलैंड के बीच में डिफरेंस क्या है, और हरियाणा की जितनी भी लेक्स थी जो वेटलैंड थे उनसे रिलेटेड कैसे बने वो, क्या प्रॉब्लम्स है, बाकी कुछ एक अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो मैंने आप लोगों की कवर करवा दी है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।